नमस्कार, खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत। पेश है अभी तक की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में राजपूत के नेता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष सतवीर सिंह चौहान व राजपूत सभा बहादुरगढ़ के अध्यक्ष दिनेश सिंह शेखावत के नेतृत्व में वीरवार को बहादुरगढ़ में सभी हिंदू संगठनों के साथ मिलकर पद्मावत फिल्म को न देखने और सिनेमा घरों में न दिखाए जाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और उपस्थित सभी लोगों से शांतिपूर्ण अपील की, किसी भी प्रकार के उग्र प्रदर्शन नहीं करने का आग्रह किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने फिल्म पद्मावत नहीं देखने की क्षेत्र के लोगों से अपील भी की। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाए जाने का हवाला देकर बाहर रोड पर प्रदर्शन ना करके पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ही उपस्थित लोगों को कानून के दायरे में रहते हुए समाज हित में पालना की भीड़ इकट्ठी नहीं करने का फैसला लेकर उन्हें वन ही रोक कर प्रदर्शन को संपन्न कर दिया, ताकि कोई असामाजिक तत्व इस आड़ में सार्वजनिक और किसी की निजी संपत्ति का नुकसान न कर पाए। इसलिए वहां उपस्थित लोगों के साथ ही मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखकर कार्यक्रम का रेस्ट हाउस में ही समापन कर दिया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारतीय क्षत्रिय, ये जो फिल्म चल रही है पद्मावती, इसके बारे में जो आपने ये जो प्रोग्राम किया था, क्या इसके आगे की? हमने सिनेमा मालिक से मिलकर पहले भी इसका विरोध दर्ज कराया था और हम चाहते थे शांतिपूर्ण रूप से बहादुरगढ़ में भाईचारा बना रहे। सिनेमा मालिक से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस फिल्म को नहीं लगाएंगे, लेकिन कल रात को हमें पता लगा, उन्होंने एक बात कही थी कि आप अपील कीजिए जनता से। हमने अपील के लिए भी पोस्टर भी लगाए थे यहाँ, लेकिन उन्होंने रात को 2:30 बजे उन पोस्टरों को फड़वा दिया। और आज का कार्यक्रम इसलिए वो उनकी जिद के आगे उन्होंने कहा कि अब तो लगाएंगे या लगानी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है, इसलिए आज का ये कार्यक्रम हमने रखा था विरोध प्रदर्शन के लिए। लेकिन धारा 144 लगे होने के कारण प्रशासन ने हमें मना कर दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते या इकट्ठे होकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए। लेकिन फिर हम इकट्ठे हुए हैं तो हम यहीं इस प्रदर्शन को हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन माँ पद्मावती के सम्मान के अंदर भारत के अंदर पूरा हिंदू समाज विरोध कर रहा है, जो भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसमें जिस तरीके की लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया, हम उसका विरोध करते हैं। और लोगों से भी ये अपील करते हैं पूरे हिंदू समाज से कि वो इस फिल्म का बहिष्कार करें, इसको ना देखें, क्योंकि केवल पद्मावती राजपूत समाज की नहीं वीरांगना थी, वो पूरे हिंदू समाज का नेतृत्व किया उन्होंने और हिंदू समाज की 16,000 रानियों ने वहाँ जोहर किया था। तो आज केवल राजपूत समाज की बात नहीं है, कल को किसी और समाज के ऊपर फिल्म बनाएंगे, फिल्मों का बनाने का काम जो है वो समाज को आईना दिखाना, समाज को एक मार्गदर्शन दिखाना। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिर्फ राजपूत समाज ही इस फिल्म की वजह से उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है, पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है इस चीज़ से। और मूवी एक एंटरटेनमेंट का साधन है, किसी की भावनाओं के साथ खेलने का ऐसा कोई किसी को हक नहीं है, किसी को राइट नहीं है। इसीलिए मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपने सभी हिंदू भाइयों से, बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस पद्मावत मूवी का पुरजोर विरोध करें, ताकि हमारी माताओं के साथ, सती माताओं के साथ, महारानियों के साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे। और ये हमारी माताओं पे मूवी बनाते हैं सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए, अपनी माँ पर मूवी बना के देखो, फिल्म हम देख लेंगे, ठीक है? नहीं, जैसे अभी प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई है, आपका एक प्रोग्राम था वहाँ पे फिल्म देखने वाले को रोकने का, तो वो किस तरह से अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति अभी फिलहाल तो यहाँ पर यही खत्म हो चुका है जो कुछ है, उसके आगे हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अभी हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिंदू भाइयों से, सरकार से, सभी से अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी भावनाओं को इतनी ठेस ना पहुँचाए, आहत बार बार ना करें, बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू।